अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़। इसके लिए हमें चाहिए पोटैटो फ्रेंच फ्राइज के शेप कटे हुए, अजीनोमोटो, थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और जैसे कॉर्नफ्लावर, और ये है चावल का आटा। इससे जो है ना हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो थोड़े क्रिस्पी बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। चलें अब हम बनाना शुरू स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें आलू डालेंगे, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और अजीनोमोटो। और कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा। अब हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे। ताकि ये सारे देखें इसके ऊपर कोट हो जाएं। आलू पे जो है ये अच्छी तरह से कोट हो गया है। अब कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिए। ऑयल घी जो भी आप इस्तेमाल करते हो करें। और ये जो फ्रेंच फ्राइज है ना कोट हुए हुए, बस हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। इससे जो है ना फ्रेंच फ्राइज बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बच्चों को तो ये बहुत पसंद है। चूल्हा जो है फुल रखेंगे हम। मेरी ये सेकंड वीडियो है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा न्यू कुकिंग चैनल है ये अस्मा राजा तड़का के नाम से। प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी मुझे जो है ये फ्रेंच फ्राइज थोड़े क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर के चाहिए। अगर आपको लाइट ब्राउन पसंद है तो आप जैसी मर्ज़ी इस तरह निकाल लें। इसमें जब हमने कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा जो डाला है इससे फ्रेंच फ्राइज बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगे आपको। देखें क्रिस्पी हो गए हैं काफ़ी और ब्राउन भी होते जा रहे हैं गोल्डन, और ये देखें एक दूसरे से चिपके भी नहीं हैं। ये देखें मैंने ये सारे निकाल लिए छन्नी से ताकि ऑयल एक्स्ट्रा जो है निकल जाए। हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गए। देखिए आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी बने। अब ये जो है ये मेरा होममेड चाट मसाला है। अगर आपको पसंद है तो ये आप इसके ऊपर थोड़ा सा डाल सकते हैं। इस पे ही थोड़ा सा हमने मसाला चाट मसाला डाल दिया है। और अगर आपको केचप पसंद है तो फिर केचप भी डाल सकते हैं आप। ये वाकई बहुत मज़े के बने, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ये मेरा न्यू कुकिंग चैनल है। प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं रोज़ाना कोशिश करूँगी न्यू रेसिपी आपको बना के दिखाऊँ। थैंक यू। और ये फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर बना के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगे। थैंक यू।